Hey guys, welcome back to my channel Passing Milestones. This is Manu and today I am in Thimphu, the capital city of the Kingdom of Bhutan. तो ये है भूटान की कैपिटल थिम्फू, जहां आपको लोग मुस्कुराते हुए मिलेंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त नजर आएंगे। थिम्फू भूटान की लार्जेस्ट सिटी है और यहां की पॉपुलेशन कुछ 130,000 है। वैसे तो थिम्फू भूटान की मॉडर्न सिटीज में से एक है, लेकिन यहां नेचर की कोई कमी नहीं है। ये पहाड़, हरे भरे पेड़, साफ सुथरी सड़कें आपका दिल जीत लेंगे। सो गाइस, दिस इज आवर फर्स्ट स्टॉप फॉर द डे एंड वी आर आउटसाइड वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचूज इन द वर्ल्ड। Buddha Point is a very special place. This is one of the largest sitting statues in the world. This is a spectacular sight, and the Buddha is close to about 169 feet tall. And if you also include the temple below the Buddha statue, the total height would be 201 feet. So yeah, let's just go and have some blessings. गाइस, आज यहाँ पर बुद्धा पॉइंट पर एक स्पेशल पूजा हो रही है, सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम यहाँ पर आ जाए हैं। आई जस्ट आस्क टेंडिन, हु इज़ आवर टूर गाइड, दैट हाउ ऑफन डज दिस टेक प्लेस, एंड ही हैज टोल्ड अस दैट देर इज़ नो फिक्स टाइम ड्यूरिंग द ईयर, दे कैन प्लान इट ऑन एनी डे, एंड लकीली वी आर हियर टूडे। This is a really very peaceful place and अभी यहाँ पर prayers चल रही है, so you can hear in my background there are so many monks who are chanting. So there are two tents, in one tent there are all the monks that are chanting and on the other side are all the people who are chanting along with them. इस जगह की एनर्जी अलग ही थी और यहाँ पर मन में बहुत सारे thoughts आ रहे थे। उन सारे थॉट्स में से एक थॉट ये भी था कि हमें अपनी ज़िंदगी का हर एक मोमेंट इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि एक एक करके हमारी ज़िंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं। सो आज यहाँ से हम दो लेसन्स लेके जा रहे हैं, पहला लिव इन द मोमेंट और दूसरा ट्राई एंड फाइंड हैप्पीनेस इन वॉट एवर यू हैव एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। Also, the statue that is there, the largest sitting statue, उस statue के अंदर 125,000 small statues हैं बुद्धा के, जो अंदर temple है वहाँ पर आप film नहीं कर सकते, you can not use your camera or your mobile phones inside of the temple, but trust me, if you go inside, you won't
you won't even feel like using your cameras. It's so nice, calm. You would want to be all by yourself. You would want to sit there and experience the vibe of the place. तो कुछ ऐसी थी हमारी बुधा पॉइंट विजिट. बिल्कुल लोकल्स की तरह हमने यहाँ का ये इवेंट अटेंड किया और बहुत एंजॉय किया. आपको पता है बुधा पॉइंट बिल्कुल टॉप ऑफ द सिटी पर है और वहाँ से सिटी का पूरा व्यू दिखता है. एनीवेज, फिर चल दिए हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज छुपा छू मार्केट. भूटान में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पता है कौन होता है? जो सबसे ज्यादा खुश होता है. जैसे किसी भी कंट्री का जीडीपी उसकी ग्रोथ को मेजर करता है, भूटान में जीएचआई करता है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स. एंड अगर आपको यहाँ के लोगों की लाइफ का पेस देखना है तो फिर छुपा छू मार्केट आपके लिए बेस्ट जगह है. After the monastery, we came here. This place is called Chupa Chu Handicraft Market. So, एक पूरी road है जिस पर 83 booths हैं and all 83 booths sell handmade products. यहाँ पर किसी का भी किसी के साथ कंपटीशन नहीं था. लाइफ थोड़ी स्लो जरूर थी लेकिन बहुत ही अच्छी और खुश थी. चलो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ एक बहुत ही ट्रेडिशनल जगह. भूटान के लोग चीज़ बहुत खाते हैं एंड दे मेक इट एट देयर होम्स. सो देयर इज अ नेम फॉर चीज़, दे कॉल इट दाची. दाची मीन्स चीज़, एमा मीन्स चिली. सो इफ यू वांट टू ऑर्डर चिली चीज़ दैट मीन्स यू हैव टू से एमा दाची. इफ यू वांट पोटैटो चीज़ देन यू हैव टू से कावा दाची and otherwise mushroom dachi and vegetable dachi. I think it is very much understandable. This is a place called Babesa Village Restaurant and it's beautiful, but it is all a traditional styled property and we are actually sitting here on floor to have our food. You can order red rice along with dachi and I think you would really enjoy that. Thank you.
आपको पता है थिम्फू शहर इवनिंग्स में भी उतना ही हैपनिंग है जितना कि ड्यूरिंग द डे। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, वो ट्रैफिक पुलिस देख रहे हैं, थिम्फू में ही नहीं बल्कि पूरे भूटान में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है और इट इज दीज पुलिसमैन जो कि सारा ट्रैफिक डायरेक्ट करते हैं। इमेजिन अ कंट्री विद नो ट्रैफिक लाइट, इट्स द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विद नो ट्रैफिक लाइट्स। इंटरेस्टिंग नो। So guys, after having our lunch at the village restaurant, we went to our hotel and rested for some time and now we are here at Thimphu Center. Thimphu Center hamare hotel se walking distance hai. There are so many shopping options here. Bahut sare traditional handicrafts and cafes, restaurants. So you've got multiple options and it's a really good place to actually chill out. सो कुछ ऐसी दिखती हैं यहाँ की इवनिंग्स। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ के लोगों को ना किसी चीज़ की जल्दी है, ना किसी का किसी के साथ कंपटीशन। ये सिर्फ लाइफ में चिल कर रहे हैं एंड आई थिंक तभी ये इतने खुश हैं। खैर, इनकी डार्टिंग स्किल्स देख के मैंने भी सोचा कि लेट मी ऑल्सो ट्राई एंड आई फेल्ड बैडली। मैंने बहुत बार ट्राई किया, जशन कैमरे के पीछे हंस रहा था, बट देन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। और एक शॉट में तो मुझसे उनका डांट ही टूट गया। Is it broken? But finally I did it. So ये था हमारा थिम्फू का दिन जो कि बहुत ही अमेजिंग गुजरा। So this is it about this vlog and I will take you to Bumthang Valley in the next vlog. Trust me guys, Bumthang Valley is such a beautiful valley and उसके रास्ते में जितने खूबसूरत झरने, waterfalls, bridges आते हैं, I cannot express that in words and I'm so excited to take you there. So stay tuned and subscribe if you've not yet subscribed. Okay, bye.